हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। जैसे कि आप सबको पता है, इंडिया में फेस्टिव सीजन की शुरुआत हो चुकी है एंड जन्माष्टमी एंड गणेश उत्सव के लिए बस कुछ ही दिन बाकी है। एंड आई नो कि आप लोग भी मेरी तरह उसकी तैयारी में लग गए होंगे। तो आज इस वीडियो में मैं शेयर करूंगी कुछ इजी एंड क्विक बैकड्रॉप आइडियाज़, जिसे आप बिना कोई प्रोफेशनल के हेल्प के बिना अपने घर में बहुत आसानी से रेडी कर सकते हैं। एंड और एक बात, अगर आप लोग को ये आइडियाज़ पसंद आते हैं तो आप लोग अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए जल्दी से वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। बैकड्रॉप डेकोर के लिए आप अपने घर के कोई भी पर्टिकुलर स्पेस को सिलेक्ट कर सकते हैं एंड उसी स्पेस में आप अपने पूजा पेंडल या फिर बैकड्रॉप डेकोर को कर सकते हैं। आज के इस वीडियो में मैं एक बैकड्रॉप स्टैंड भी यूज करूंगी, जिसे यूज करके आप बिग साइज के बैकड्रॉप क्रिएट कर सकते हैं। ये स्टैंड को मैंने 3 साल पहले अमेजोन से परचेज किया था एंड ये काफी हेल्पफुल लगती है मुझे, बिकॉज इसे यूज करके मैं बहुत सारे डेकोर क्रिएट कर सकती हूँ। अगर आपको भी ऐसा स्टैंड परचेज करना है तो प्रोडक्ट लिंक के लिए आप मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक कर सकते हैं। एंड ये स्टैंड को यूज करके आज मैं 2 बैकड्रॉप डेकोर आइडियाज आप लोगों से शेयर करूंगी। तो चलिए देखते हैं मेरा पहला सेटअप मैंने कैसे क्रिएट किया है। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे यूज किया है मेरा एक येलो कलर का साड़ी। आप चाहे तो कोई भी येलो कलर का कर्टेंस या फिर बैकड्रॉप क्लॉथ जो आते हैं उसे भी यूज कर सकते हैं। उसके बाद मैंने दोनों साइड में लोटस गार्लैंड्स एंड कुछ पॉम्पॉम हैंगिंग्स को ऐड कर दिया है, ताकि जो येलो के साथ इसका लुक और भी प्रिटी लगे। आप चाहे तो येलो कलर के क्लॉथ को फुल कवर करके उसके ऊपर भी ये सारे हैंगिंग्स एंड गार्लैंड्स को ऐड कर सकते हैं। उसके बाद इसके सेंटर में मैंने यूज किया है मैंगो लीफ का तोरण। आप चाहे तो रियल मैंगो लीफ का तोरण भी यूज कर सकते हैं। देन बैकड्रॉप को और भी थोड़ा सुंदर बनाने के लिए मैंने यहाँ पे यूज किया है ऐसे कटआउट, जो कि इजीली अमेजोन पे आपको मिल जाएगा एंड हर तरह के कलर में भी ये अवेलेबल है। देन मैंने यूज किया है अपना कॉफी टेबल को एंड उसको कवर कर दिया है एक पिंक कलर के दुपट्टे के साथ। आप चाहे तो यहाँ पे पिंक कलर का क्लॉथ भी यूज कर सकते हैं। दुपट्टा को अच्छे से पिन की मदद से सिक्योर करने के बाद मैंने इसके सेंटर में यूज किया है ऐसे पिंक कलर का गार्लैंड्स, जो कि दिखने में बहुत ही प्रीटी लग रहा था। एंड उसके साइड में मैंने ऐसे प्लांटर यूज करे हैं एंड उसको उसके चारों तरफ मैंने ऐसे पिंक कलर के गार्लैंड्स की मदद से उसको कवर कर दिया है। देन टेबल के ऊपर मैंने ऐसे पूजा चौकी एंड उसके ऊपर एक आसन रख दिया है। देन दोनों साइड में इसके 2 दीपम ऐड कर दिए हैं, ताकि लुक वाइज भी ये और भी प्रिटी लगे। एंड इसके फ्रंट में मैंने जैसे छोटे छोटे दिया होते हैं उसको रख दिया है। एंड थोड़ा और डेकोरेट करने के लिए मैंने यहाँ पे उल्ली एंड कुछ लालटेन ऐड किया है। एंड उल्ली तो बहुत ही शुभ माना जाता है फेस्टिव डेकोर के टाइम, तो आप अपने हिसाब से इसको डेकोरेट करके पूजा पेंडल में यूज कर सकते हैं। एंड ये रहा इसका फाइनल लुक। आप देख सकते हैं ये पिंक एंड जो येलो कलर का बैकड्रॉप है कितना प्रिटी लग रहा है एंड बहुत ही सुंदर सा एक सेटअप क्रिएट हुआ है इन चीज़ों को यूज़ करके मैंने जो किया है। एंड ये बहुत ही कम चीज़ें यूज़ करके मैंने किया है। आप चाहे तो इसमें रियल फ्लावर्स एंड रियल गार्लैंड्स को भी यूज़ कर सकते हैं। देन हमारे सेकेंड सेटअप के लिए भी मैंने यूज़ किया है ये बैकड्रॉप स्टैंड एंड इसके साथ मैंने एक कर्टन्स ले लिया है व्हाइट कलर का, जो कि आप सबके पास आई थिंक अवेलेबल होगा, या फिर आप चाहे तो ऐसे बैकड्रॉप क्लॉथ्स भी मिलते हैं व्हाइट कलर के, उसको भी यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद इसके टॉप पे मैंने यूज़ किया है ऐसे हैंगिंग फ्लावर्स, जो कि अगेन मैंने अमेजोन से परचेज किए हैं एंड इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको शेयर कर दूंगी। उसके बाद इसके टॉप में मैंने येलो कलर के गार्लैंड्स को डबल टेप की मदद से स्टिक कर दिया है एंड दोनों साइड में 2 गार्लैंड्स को भी ऐड कर दिया है। देन कॉफी टेबल को येलो कलर के क्लॉथ की मदद से अच्छे से कवर कर दिया है एंड दोनों साइड में 2 प्लांटर रखने के बाद मैंने ये टेबल को भी ये कटआउट्स की मदद से अच्छे से डेकोरेट कर दिया है। देन टेबल के दोनों साइड में मैंने ऐसे गार्लैंड्स के हेल्प से डेकोरेट कर दिया है एंड इसके सेंटर में मैंने आसन के ऊपर भगवान जी को रख दिया है। उसके बाद कृष्णा जी के दोनों साइड में मैंने ऐसे दिया को रख दिया है एंड इसके सेंटर में मैंने उल्ली के साथ डेकोरेट कर दिया है एंड जो तोरण मैंने लास्ट सेटअप में आपको दिखाया था उसको यहाँ पे डेकोरेट कर दिया है। तो चलिए देखते हैं इसका फाइनल लुक। एंड आप देख सकते हैं ये व्हाइट एंड जो येल्लो का कम्बिनेशन है कितना प्रिटी लग रहा है एंड कृष्ण जन्माष्टमी के लिए ये बहुत ही परफेक्ट सेटअप है। आप अपने घर में बहुत कम टाइम यूज़ करके एंड बहुत कम चीज़ों के साथ बहुत आसानी से इसे क्रिएट कर सकते हैं। आपको ये सेटअप कैसा लगा मुझे कॉमेंट सेक्शन में बताना ज़रूर।
अगर आप बैकड्रॉप स्टैंड यूज़ नहीं करना चाहते हैं एंड एक छोटा सा सेटअप चाहते हैं अपने घर में क्रिएट करना, तो ऐसे कर्टेंस रड को DIY करके भी एक स्टैंड क्रिएट कर सकते हैं। एंड अगर आप कर्टेंस रॉड को यूज़ नहीं करना चाहते हैं तो मार्केट में PVC पाइप भी मिलता है, उसकी हेल्प से भी आप ऐसे सेटअप क्रिएट कर सकते हैं। एंड ये स्टैंड के लिए मैंने यूज़ किया है मेरा ये येलो कलर का दुपट्टा, जो कि बहुत ही कन्वीनियंट है एंड आपके घर में इजीली सबके पास मिल जाता है। इसे सिंपली आपको ऐसे स्टैंड के ऊपर रख देना है एंड कुछ पिन की मदद से इसके जो बैक साइड को सिक्योर कर देना है। उसके बाद आप कोई भी साइज़ के टेबल को यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। मैंने अपना जो कॉफ़ी टेबल है यहाँ पे यूज़ किया है एंड उसके बाद ये पिंक कलर के दुपट्टे की मदद से मैंने ये टेबल को कवर कर दिया है एंड कुछ पिन की मदद से मैंने इसके दोनों साइड को अच्छे से सिक्योर कर लिया है। आप ये दुपट्टा की जगह कोई भी पिंक कलर का साड़ी या फिर पिंक कलर का क्लॉथ भी यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। आप ये सेटअप के लिए कोई भी बिग साइज़ के टेबल को भी यूज़ कर सकते हैं या फिर अगर आप छोटा सेटअप कर रहे हैं तो सिंपली जो नीचे एक चौकी को रख के भी आप ये सेटअप में यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद मैं ये पिंक एंड येलो कलर का जो गार्लैंड है उसको मैंने यूज़ कर लिया है एंड ये भी गार्लैंड मैंने अमेजोन से परचेज किया है एंड इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। देन इसके सेंटर में मैंने ऐसे पिंक कलर के गार्लैंड्स को यूज़ किया है जो कि छोटे साइज का है एंड दिखने में बहुत सुंदर लगता है। देन दोनों गार्लैंड के बीचों बीच मैंने ऐसे लाइट पिंक कलर का पॉम्पोम हैंगिंग को यूज़ किया है ताकि वो जो बैकड्रॉप को कवर कर दे एंड दिखने में भी सुंदर लगे। उसके बाद टेबल के ऊपर ऐसे पूजा चौकी या फिर आप चाहे तो आसन को भी रख सकते हैं एंड दोनों साइड में दो दीपम भी रखा है एंड फ्लावर डेकोरेशन के लिए ऐसे उल्ली को भी मैंने नीचे रख दिया है एंड फ्रंट में आप रख सकते हैं ऐसे छोटे छोटे दिया। तो चलिए देखते हैं इसका फाइनल लुक एंड आप देख सकते हैं ये सेटअप कितना सुंदर लग रहा है एंड कृष्ण जन्माष्टमी के लिए बहुत ही परफेक्ट है। अगर आप अपने घर में ऐसे छोटा सेटअप कुछ क्रिएट करना चाहते हैं जन्माष्टमी या फिर गणेश उत्सव के लिए तो ये सेटअप आपके लिए बहुत ही परफेक्ट है एंड बहुत ही कम चीज़ें एंड बहुत ही कम टाइम में ये सेटअप आप अपने घर में ईजिली क्रिएट कर सकते हैं। देन और एक सेटअप मैंने क्रिएट किया है सेम ये DIY स्टैंड को यूज़ करके। तो ये सेटअप में मैंने यूज़ किया है ऐसे गोल्डन कलर का दुपट्टा जो कि मैंने सेम वे में यहाँ पे प्लेस कर दिया है ये स्टैंड के ऊपर। दुपट्टे की जगह आप कोई भी गोल्डन कलर का क्लॉथ या साड़ी को भी यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद टेबल को कवर करने के लिए मैंने लिया है ये ऑरेंज कलर का दुपट्टा जो दिखने में बहुत ही प्रिटी है। आपके पास अगर ऐसे कलर का साड़ी या फिर कोई भी क्लॉथ है तो उससे भी आप कवर कर सकते हैं। एंड उसके बाद पिन की मदद से मैंने ये दुपट्टा को अच्छे से सिक्योर कर लिया है इसके चारों तरफ, टेबल के चारों तरफ, एंड दिखने में कुछ इस तरह से ये आपको दिखता है। आप कोई भी मार्केट में मिलने वाला पिन या फिर सेफ्टी पिन की मदद से भी इसको सिक्योर कर सकते हैं। उसके बाद मैंने ये मैंगो लीफ का तोरण यहाँ पे यूज़ किया है, ये आर्टिफिशियल है एंड ये मैंने अमेजोन से परचेज किया है। आप चाहे तो रियल लीफ का जो तोरण है, रियल मैंगो लीफ का तोरण, उसे भी यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद ये ऑरेंज कलर के गार्लैंड्स को भी मैंने इसके साइड में जो स्पेस छोड़ा था वहाँ पर हैंग कर दिया है। देन सेंटर में भी एक मैंने गार्लैंड्स को यहाँ पर दे दिया है ताकि जो बैकड्रॉप थोड़ा अच्छा लगे। एंड इसके टेबल के ऊपर मैंने दो ग्रीन कलर के पॉम्पॉम हैंगिंग्स को रख दिया है एंड सेंटर में मैंने ऐसे आसन को प्लेस कर दिया है। आसन के दोनों साइड में मैंने दो दीपम रखा है जो कि मैंने लोकल शॉप से परचेज किया था लास्ट ईयर। अगर सेम मुझे अगर अमेजोन पे मिलता है तो मैं इसका लिंक आपको शेयर कर दूंगी। उसके बाद मैंने उरली को यहाँ पे ऐसे रख दिया है जो दिखने में बहुत अच्छा लगता है एंड भगवान को यहाँ पे रखने के बाद आप देख सकते हैं ये सेटअप का फाइनल लुक। तो कुछ इस तरह से मैंने ये छोटा सा सेटअप क्रिएट किया है बहुत ही कम चीज़ें यूज़ करके। अगर आपके पास भी टाइम कम है या फिर आपके घर में इतनी चीज़ें नहीं है तो आप भी अपने घर में बहुत ही कम चीज़ें यूज़ करके ये सेटअप को क्रिएट कर सकते हैं एंड आप चाहे तो यहाँ पे सारे रियल फ्लावर्स एंड रियल गार्लैंड्स को भी यूज़ कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। आई होप आपको ये सारे सेटअप पसंद आए होंगे एंड ये सारे सेटअप में से आपका फेवरेट कौन सा है आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना जरूर। एंड अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं देन डोंट फर्गेट टू शेयर विथ योर फ्रेंड्स एंड फैमिली एंड अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं देन डोंट फर्गेट टू सब्सक्राइब। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।